अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें कि खटी में आबकारी अधिकारी नितिन शर्मा को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खटीमा के कच्ची खमरिया प्रतापपुर तथा जोगी ढेर आदि गांव में जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देश में तथा खटीमा आबकारी निरीक्षक नितिन कुमार के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई में अवैध कच्ची शराब निर्माण की 15 भट्टियों तथा 8000 किलो लहन को मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही 400 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई। इसी क्रम में गांव जोगी ढेर में आबकारी इंस्पेक्टर नितिन शर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर अवैध शराब बिक्री के अड्डों पर दबिश देकर दो अभियुक्त लखविंदर सिंह पुत्र तारा सिंह तथा बलदेव सिंह पुत्र जगीर सिंह को एक रबर ट्यूब में लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में आबकारी निरीक्षक नितिन कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध शराब निर्माण की भट्टियों तथा 8000 किलो लहन नष्ट किया गया। वहीं 400 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई। वहीं आबकारी अधिकारी शर्मा ने मीडिया को बताया कि अवैध शराब बिक्री कर रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज 4 सितंबर 2023 को जिला आबकारी अधिकारी श्रीमान अशोक कुमार मिश्रा जी जिला उधमसिंह नगर के निर्देशानुसार हमारे द्वारा अवैध कच्ची शराब निर्माण के अड्डों पर कच्ची खमरिया और प्रतापपुर जो कि ठेर आदि क्षेत्रों में दबिश की गई, जिसमें हमारे द्वारा 12 कच्ची शराब निर्माण अवैध भट्टियों को तोड़ा गया और लगभग 8000 किलो नहल नष्ट किया गया। इस दौरान हमने 400 लीटर अवैध कच्ची शराब भी जब्त की। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो कि ठेर में अवैध बिक्री कर रहे अड्डों पर दबिश दी गई और इस दौरान हमने दो अभियुक्तों लखविंदर सिंह और बलदेव सिंह को आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ़ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।